नमस्कार। ज्ञान, धर्म, धन और मनुष्य के जीवन में संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति जो है ये 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा धनु लग्न और धनु राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वाकई में राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ और लाभकारी है, और अगर किसी प्रकार का कुछ बाधाएं हैं या अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, यह विशेष जानकारी देने हेतु आपके समक्ष में आया हूं। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताता हूं कि बृहस्पति जो है 6 अप्रैल को प्रातः मकर राशि को छोड़कर के, मकर राशि में शनि के साथ वह विराजमान थे और शनि और बृहस्पति के कारण, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है, हालांकि शनि के द्वारा बृहस्पति को नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लेकिन कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो शुभ फलदायी नहीं होता है। तो ये 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मकर राशि को ये छोड़ देंगे। और आपका लग्न क्या है, धनु। धनु लग्न के स्वामी कौन होते हैं, स्वयं बृहस्पति, यानी आपके गॉड फादर, यानी आपके पिता स्वयं जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही विशेष और बहुत ही योग्यकारी है और आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। अब यहां पे नक्षत्रों की बात अगर हम करना चाहें तो बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेगा तो 6 अप्रैल से 22 मई तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये मंगल होते हैं। फिर ये 22 मई से 20 जुलाई तक जो है ये सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं। राहु और बृहस्पति का शत्रुता है, यानी 22 मई से लेकर के 20 जुलाई के मध्य में आपके जीवन में संघर्ष और स्ट्रगल देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। हालांकि पुनः ये 20 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, मंगल और बृहस्पति का पुनः मैं बता रहा हूं कि मित्रता होता है जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे घर पर विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पर यह देखना है कि तीसरे घर में जब विराजमान होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में उसका धन के कारक है, उसके जीवन में उसकी संस्कृति के कारक है, उसके संतान की उन्नति के कारक है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलताएं बृहस्पति ही दे सकता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या उच्च अधिकारी के क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बृहस्पति के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि इसी ग्रह में इतनी क्षमता है कि अगर यह पत्रिका में अच्छा ना हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो इस क्षेत्र में है उनके लिए तो बहुत हद तक लाभकारी है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान, स्पिरिचुअल, केमिस्ट, बैंकिंग, जुडिशियल, लकड़ी से रिलेटेड कारोबार, खाद बीज से रिलेटेड कारोबार, पशुपालन से रिलेटेड कारोबार, इन सभी क्षेत्रों में है तो निश्चित तौर पर बृहस्पति जो है यह लाभकारी फल देगा। अब यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो 20 जून से यह वक्र अवस्था में आ जाएंगे, यानी यह कुंभ राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने घर से एक घर पहले कभी फल को प्रदान करता है। तो जब बृहस्पति राशि परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठ जाएंगे। तीसरे घर का बृहस्पति जो होता है यह मनुष्य को स्थान परिवर्तन कराने में योगकारी और लाभकारी होता है, यानी आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते थे उसके लिए शुभ फलदायी होगा। हालांकि देखिए, क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठ रहा है, कुंभ राशि में जब बृहस्पति बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा विवादास्पद बनाता है, व्यक्ति को थोड़ा परिवार के लोगों से तालमेल खराब करता है, या वो जहां बैठता है उस लोगों से विचारों में विमुखता करवाता है। तो बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो आपको छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधाएं दे सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको इस मामले में थोड़ी सी संभल के रहने की आवश्यकता है। हालांकि तीसरे घर में जब बृहस्पति बैठेंगे तो जो व्यक्ति सरकारी काम काज से रिलेटेड है, जो व्यक्ति ब्याज वगैरह पे पैसे लगाते हैं, जिन व्यक्तियों का
उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, तो मैंने बताया है कुछ शिक्षा में थोड़ी बाधाएं होंगी, उन लोगों के लिए कुछ हद तक लाभकारी और सफलता के रास्ते निश्चित तौर पर खुलेंगे शिक्षा से रिलेटेड, अन्य सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो लाभकारी ही सिद्ध होंगे। पुराने प्रॉपर्टी विवाद या फिर भाइयों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं जो चल रही थी उसमें ये निश्चित तौर पर लाभकारी और उन्नति कारक फल ही प्रदान करेगा। इसके अलावा तीसरा घर जो रहेगा आपके जीवन का, आपके पराक्रम का है, आपके बाहुबल का है, आपके कॉन्फिडेंट का है, तो तीसरे भाव में बृहस्पति का विराजमान होना आपको आत्मविश्वासी बनाएगा। दूसरों के सामने आप अपने आप को बोल्डनेस शो कर पाएंगे। आपका लोग फायदा उठा रहा था, आप उसको कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे। बृहस्पति जब खराब हो जाता है तो इंसान के अंदर आत्मरक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है, बोल नहीं पाता है वो, तो आपके अंदर बोल्डनेस आएगा। आप अपने हक की बातों को, अपनी महत्वपूर्ण तथ्यों को लोगों को समझाने वाले रहिएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में संपत्ति स्थान के भी मालिक है और माता स्थान के भी मालिक है, तो जो आपके जूनियर वगैरह आपके बात नहीं मान रहे थे, इसके अलावा आपके माता का स्वास्थ्य जो कंटिन्यू खराब चल रहा था, इन सभी क्षेत्रों में यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि देखिए मैंने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बताया है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि यह राशि परिवर्तन हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हर ग्रहों का कुछ ना तो कुछ थोड़ी सी परेशानियां तो रहती ही है, तो जो परेशानियां रहती है उसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को निश्चित तौर पर यह बढ़ाएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण जो है आपका सम्मान लोगों के मध्य में बढ़ेगा। आप लोगों को यह प्रेरित यह दिखाना चाहिएगा कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, आपकी क्वालिटी को लोग समझेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक फल यह सिद्ध कराने वाला रहेगा। बृहस्पति जो है ये धन के भी कारक होते हैं, तो धन की प्राप्ति करवाएगा। जब भी बृहस्पति कहीं बैठता है तो वो पांचवी सातवीं और नौवीं दृष्टि से देखता है, तो इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। अब बृहस्पति आपकी कुंडली का लग्न के भी मालिक है, तो लग्न का मालिक होने के कारण जो है समझ लीजिए कि विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी लाएंगे। साथ में जो है आपको पॉलिटिक्स क्षेत्र में, उच्च अधिकारी के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम भी मिल जाएगा। अब बृहस्पति पांचवी दृष्टि से जो है सातवें घर को देख रहा है, तो स्त्रियों के लिए खास करके ये विवाह के लिए उपयुक्त रहेंगे। सभी लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुखी रहेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को बढ़ाने वाले रहेंगे। आप विदेशों में अपने व्यापार को फैला के रखें, उसमें ये सफलताओं के रास्ते को खोलने वाला रहेगा। साथ में आपके अंदर जो है कोई इंटरव्यू वगैरह है या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन वगैरह है, तो उसमें ये विशेष सफलताएं देने का प्रयास करेगा। भाग्य स्थान को यह देख रहा है सातवीं दृष्टि से, और आपको यह बात बताना चाहूंगा कि भाग्य स्थान बृहस्पति के कारक स्थान होते हैं, तो यह भाग्यशाली बनाएगा, पुण्य स्थल पे घूमने की ओर प्रेरित करेगा, आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। बॉस से, सीनियर से जो भी मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें कमी देखने को मिलेंगे। पिता के तरक्की के रास्तों में यह बढ़ोतरी करने वाला रहेगा, और साथ में धनु लग्न और धनु राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है आपके जीवन में आय स्थान को देख रहा है नौवीं दृष्टि से, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयास करेगा। आय स्थान इच्छा शक्ति और आपकी खुद की रुचि के होते हैं, तो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपने जीवन में सोचा है उसको यह प्राप्त कराएगा। आपके जीवन में पैसे की कमी यह नहीं होने देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उसमें यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके लिए बहुत हद तक लाभकारी है। लेकिन एक बात अब यहाँ पे आप सुन लीजिएगा, बृहस्पति है लग्नेश और लग्नेश तृतीय हो रहे हैं और शनि की राशि में, तो लग्नेश का अर्थ यह हुआ कि आप क्या है, यानी इस राशि परिवर्तन में बृहस्पति के कुछ नकारात्मक तथ्य के अनुसार अगर आप आलस्यपन पे त्याग कर देते हैं, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ा करके रखते हैं, अपनी स्थितियों परिस्थितियों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, दूसरों के सामने आप अपने आप को जो है कमजोर महसूस नहीं करते हैं, तब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी उन्नति कारक फल ही देगा, क्योंकि जो इसके नेगेटिव फल है इसकी भी उपाय को मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर उपाय के तौर पे मैं बात करना चाहूं तो हर गुरुवार के दिन जो है आपको क्या करना है कि एक पीला धागा पहनना है दाहिने हाथ में, और गुरुवार को उसको खोल करके फिर पुनः दूसरा धागा आपको पहन लेना है कंटिन्यू 14 सितंबर तक,
हालांकि 20 जून के बाद बृहस्पति के बल में वृद्धि होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और प्रत्येक दिन जो है घर के मध्य भाग में आप अगर एक दीप प्रज्वलित करते हैं शुद्ध घी का, तो तरक्की के रास्ते बहुत ही अधिक बढ़ेंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय कि हर गुरुवार के दिन आप गरीबों को जलेबी अवश्य खिलाइएगा। देखिए इसका फल में कितना अत्यधिक वृद्धि और लाभकारी फल प्राप्त होता है। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके सामने किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अनुरोध करता हूं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे अगली वीडियो में आपके पास और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।